मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का मुरादाबाद आगमन हुआ। इस दौरे के दौरान उन्होंने हमारे महाविद्यालय दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में आकर एनसीसी, एनएसएस, रेंजर, क्रीड़ा समिति, सभी प्रयोगशालाओं, कक्षाओं आदि का निरीक्षण कर एनसीसी कैप्टन, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों, रेंजर प्रभारी, क्रीड़ा समिति की प्रभारी और लैब प्रभारियों से बातचीत की। सर्वप्रथम एनसीसी कैंडिडेट्स ने कैप्टन मनी बंसल के नेतृत्व में मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्षेत्रीय कार्यालय बरेली की क्षेत्रीय अधिकारी का आगमन हुआ, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ छात्राओं से एनईपी 2020 से संबंधित कक्षाओं और चुनौतियों के बारे में समीक्षा की। छात्रा ने उनको वोकेशनल कोर्स के बारे में, आने वाली परेशानियों के बारे में बताया। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया और महाविद्यालय के अनुशासन प्रभाव प्रवक्ता भर्ती द्वारा की गई शिक्षा पर योजनाओं का ज्ञान क्रियान्वयन और महाविद्यालय की संपूर्ण रूप से भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। रास्ता ढूंढने वाले और रास्ता बनाने वाली समझी है, दिनों से सीखें, सामने आती हैं जो कुछ करता है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, नारी शक्ति वंदन योजना के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान देती है। ये नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल व्यक्तित्व क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि उच्चतर स्तर की क्षमता का और समस्या समाधान संबंधित ज्ञान होना चाहिए, जो नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति का विकास करता है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अर्चना राठौर के द्वारा किया गया। महाविद्यालय की प्रवक्ताओं में प्रोफेसर जॉली गर्ग, प्रोफेसर शोभा गुप्ता, प्रोफेसर सुजाता कुमारी, प्रोफेसर रीना मित्तल, प्रोफेसर अर्चना राठौर, प्रोफेसर कंचन सिंह, प्रोफेसर ऋतु दीक्षित, प्रोफेसर संतोष सिंह, नीतू सिंह, अनीता परसवाल, विदुषी यादव, डॉक्टर सुषमा, श्रुति जायसवाल, डॉक्टर अंजलि उपाध्याय, डॉक्टर छाया रानी, डॉक्टर निशा यादव, डॉक्टर नेमिका, डॉक्टर अनुराधा, श्रीमती स्नेहा कुमारी आदि प्रवक्ताएं मौजूद रहीं। महाविद्यालय की छात्राओं ने बहुत ही हर्ष से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कॉलेज को अगर प्राथमिकता पे कहा जाता है, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के छात्र छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसी छात्राएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, ऐसा कॉलेज का प्रबंध तंत्र हमारे साथ में है, हमारे टीचर्स ऐसे बैठे हुए हैं। आप अब प्राइमरी के बच्चे नहीं हैं, आप माध्यमिक में के बच्चे नहीं हैं, आप सब वोटर हैं। तो आप सब यहाँ पे बैठे हुए समझदार बच्चे हैं। जब हम ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं तो हम बहुत ही समझदार हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बताइए। वोट देने का अधिकार तभी तो मिलता है जब हम समझदार होते हैं। तो कितने बच्चे वोटर बन गए हैं, जरा हाथ उठाइए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रेजुएशन में पहुंच करके बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं। हम समझदार होते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बन जाती हैं, बनती है, क्योंकि तब हमारे माता पिता हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, समाज हमसे अपेक्षाएं करने लगता है कि अब हम समझदार हो गए हैं तो हम अपने लिए बेहतर करेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे डिसीजन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, स्वयं के लिए तो होंगे ही, अपने घर परिवार, अपने कॉलेज, अपने विश्वविद्यालय, प्रदेश देश के लिए हमारे निर्णय अच्छे होंगे, ऐसी अपेक्षाएं समाज हमसे करने लगता है। तो यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों से मिलने का हमारा आशय यही है कि हम आज बहुत समझदार बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम अपना तो भला करेंगे ही, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सबको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके मूल में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसके मूल में है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ में आधुनिक तकनीक को लेकर के रोजगार की तरफ आगे बढ़े, यही तो है। और हर बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती, हम स्वयं से कुछ कार्य कर सके और लोगों को रोजगार दे सके,
इसके मूल में ये भी है और हर बच्चे में क्षमताएं होती हैं, ये भी निश्चित है। हर व्यक्ति में हो सकता है किसी बच्चे को साइंस अच्छी लगती हो और किसी बच्चे को हिस्ट्री अच्छी लगती हो। जिसको साइंस अच्छी लगती जरूरी नहीं उसको हिस्ट्री भी अच्छी लगती हो। जरूरी नहीं है कि जिसको कॉमर्स अच्छी लगती है उसको आर्ट भी अच्छी लगती हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा है ये निश्चित है। हम कुछ ना कुछ दूसरों से अलग जरूर कर सकते हैं और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो देखो है उसको अरे साइंस का बड़ी अच्छी है हमारी साइंस अच्छी नहीं, इस पे दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो अगर साइंस में बहुत अच्छी है तो किसमें बहुत अच्छे हैं। हमें अपना मूल्यांकन स्वयं से करना है, ठीक है, और जिस चीज में हम अच्छे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़े। मंडल की समीक्षा बैठक की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के, तो वहाँ पे मंडल के प्रिंसिपल टीचर्स आए हुए थे और वहाँ पे रजिस्ट्रार थे और भी सारे सक्षम अधिकारीगण भी हमारे साथ में मौजूद थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के पहले हम लोगों ने उसे मंथन किया, विचार किया, उसमें लोगों के सुझाव लिए और किस तरीके से है उसका क्रियान्वयन हो पाए उसको लेकर के हम लोगों ने वृहद स्तर पर वहाँ पर बैठक की। उसके बाद हमारा कॉलेज का निरीक्षण का था, बच्चों से संवाद का कार्यक्रम था, तो उसी क्रम में आज यहाँ पे हम आए हैं। तो बच्चों से अभी आपने देखा कि बच्चों से संवाद कार्यक्रम था, बच्चों से मैंने बात की, बच्चों से पूछा और बच्चों को आगे क्या करना चाहिए उसमें मैंने भी अपने सुझाव दिए और वाकई में कॉलेज बहुत अच्छा है। मैंने कॉलेज का निरीक्षण भी किया, वार्ता भी की, बच्चों से संवाद स्थापित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरीके से कॉलेज स्तर पर भी पहुँचे, तो इन सारे विषयों को लेकर के हमारा यहाँ पर आना हुआ।